अंजना जी, कैसा लगा नए टीम के साथ, नए लोगों के साथ काम करके? आपको अरशद शेख इस फिल्म के जो हीरो हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा काम कर रहे हैं और अभी बहुत मेहनत करनी है, और अभी इस फिल्म में पहली फिल्म है उनकी, उस हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे चल के और मेहनत करेंगे तो और अच्छा होगा। और आपके साथ कौन कौन से इस फिल्म से कलाकार जुड़े हुए हैं? काफ़ी सारे लोग हैं, तो हैं मनोज टाइगर जी, अयाज खान हैं, अनूप जी हैं, अनूप अरोड़ा जी हैं, सोनिया मिश्रा हैं, स्वीटी हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं कलाकार इसमें। तो इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार आपके साथ जुड़े हुए हैं फिल्म से। और फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? अली जी के साथ पहली बार काम कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। इस वक्त लखनऊ में हम, इस वक्त लखनऊ की जनता आपको काफ़ी मोहब्बत करती है, कुछ उनसे कहना चाहेंगे? बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, और मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि अपनी हर फिल्म में आपको हमेशा की तरह एंटरटेन करती रहूँ, नए नए किरदार करूँ, ताकि आपको हमारी फिल्में अच्छी लगें। अंजना जी, फिल्म का एक अहम हिस्सा है भोजपुरी का, देखा जाए तो गाने को लेकर के, तो कैसा लगा गाना आपको, अगर शूट हुआ हो तो यहाँ या डांस मास्टर? हाँ, अभी सिर्फ दो ही गाने शूट हुए हैं और अच्छे बनाए, मधुकर जी ने गाने बनाए हैं इस फिल्म के, काफ़ी दो गाने हुए हैं, दोनों गाने बहुत अच्छे हुए हैं। तो और डांस मास्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डांस मास्टर तो सभी के फेवरेट हैं, कानू जी कर रहे हैं, उन्होंने बोले वो कोरियोग्राफ कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैं बहुत छोटी हूँ कहने के लिए, वो अपने आप में मास्टर हैं। सेकेंड लॉकडाउन के बाद पहली फिल्म में शूट कर रही हैं, एक कह सकते हैं कि जेल से निकलने के बाद बाहर अभी आपको फ्री हुआ था, फ्रीडम मिला, कुछ शेयर करना चाहेंगी? अच्छा लग रहा है, काम स्टार्ट हो जाए और सब लोग सभी प्रिकॉशन के साथ में काम करें, जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन करें, और कुछ हमेशा रेगुलर ऐसे चलता रहे सभी। आप अपने कुछ लॉकडाउन की कुछ बातें शेयर करना चाहेंगी सिनेमा से रिलेटेड जो हो कि? सिनेमा तो ज़्यादा हुआ, मतलब लॉकडाउन में तो कहीं भी नहीं शूटिंग्स बनती, तो लॉकडाउन में सिनेमा तो हुआ नहीं, और घर पे ही रहे, ज़्यादा ऐसा कुछ किया नहीं। थैंक यू मैडम। भैया प्रणाम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया, कहाँ हो रहा? बहुत ही मजमा लगा हुआ है, आइल बनी गांव से फिल्म के शूटिंग कर लखनऊ में। कौन, मोतिहारी जिला का होगा? बेतिया जिला का। अच्छा, बेतिया से? बाबा तब तो हमारे, मतलब हीरो वाला एकदम गेटअप में नजर आ रहे हैं भैया, तो डायरेक्टर भी इधर ही हो कहीं? हाँ, डायरेक्टर साहब जरा मिलाइए ना, हमको भी फिल्म में काम करना। भैया आइए भैया का थोड़ा दिखाइए अपना परिचय भैया यहाँ। सर हमको भी कुछ काम मिलेगा फिल्म में? हम कहा रास्ते पास जा रहे थे, देखे बहुत मजमा लगा हुआ था, हम कहे चलो जरा हीरो हीरोइन से जरा मिल लेते थे, साथ में डायरेक्टर से भी मिल लिया, कोई करेक्टर अगर मिल जाता तो मैं बहुत धन्य हो जाता। जरूर जरूर, बहुत अच्छा है, इसमें एक ऐसा करेक्टर है कि हीरो की जो बहन है उसको उठा करके हेलीकॉप्टर से लेके जाना है मुंबई। भैया इतना तो खर्चा हम नहीं कर पाएंगे, हम तो खुद ही पैदल जा रहे थे। बहुत अच्छे है, बहुत दयालु है दिल के, एकदम भोकाल। अच्छा, फिल्मों के नाम बता दही, कम से याद तो रही। हाँ, फिल्मों के नाम है रब हमके मिला दा हमारा जान से, मतलब वैसे टाइटल भी वैसे की जान हम से बिछड़ गई बड़ी। हाँ चाचा बोलो। हाँ बहुत खूंखार आदमी है। अरे इसमें करेक्टर है काली। हाँ जो बम बम बोले, मारो दम मिटाओ गम, बाकी जो होगा देख लेंगे हम। ऊपर अयाज भैया। अच्छा अयाज खान भी इसमें? अरे हमरो को मिला दिए तनी। अरे ये लोग पूरा माने ना होला, हमरा कुंडली में ग्रहण मार के बैठल वालों। अच्छा तो ये लोग षड्यंत्र करके आपको ब्याह हुआ नहीं होने दे रहा ऐसा लग रहा है? बैठल वालों जलवा तुर के हमरा निकले के बा, निकल तो जइबा कर लेंगे, बड़ी कुटा तो। ये बाइकों में तेल है ना भागने भर का? भागने के लिए देखा कहां से कहां, अरे गाँव जाए खाना दूर थोड़ा बा। हाँ अरे अपना मोगी कंधों पर बैठा के लगा चल जाए, बहुत ज्यादा आशिक आशिक हो तो आपके जैसा हो ऐसा। और डायरेक्टर साहब बताइए इसके बारे में जरा, हमारे हीरो के बारे में बताइए, कहाँ के हैं? और हमारे हीरो बिहार का है, बेतिया जिले का। अच्छा, और बहुत अच्छा है, आज हमारा 12वां दिन शूटिंग चल रहा है, बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से चल रहा है शूट, और बहुत जल्द और 2-4-5 दिन है कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक तो हमारे हीरो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और उम्मीद करूँगा कि आगे भी एक्शन एकदम तबाह करना। आप लोग फिल्म देखिएगा, फिल्म में बड़ी मजा आएगा, बहुत मजा, जो चाहिए वो है, ठीक है, जो आपको चाहिए सब मिलेगा, ये नहीं है कि नहीं है। अच्छा तो कोई ऑफर नहीं है कि सिनेमा देखिए और आपका ब्याह पक्का? एक
सिनेमा देखने के बाद शादी हो जाएगा? अरे सिनेमा देखने के बाद तो लोग पकड़ाइए जाएगा, भावकाल नहीं होता, भावकाल भावकाल है, ये मेरा भावकाल है, मेरा डायरेक्टर साहब। अच्छा कैसा लगा अभी लॉकडाउन के बाद पहली फिल्म शूटिंग कर रहे हैं आप लोग? अच्छा है, हम लोग लखनऊ में शूट कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, प्रशासन भी बहुत अच्छी है, एक एक मोड़ पर हम लोग सहयोग मिल रहा है, अब तो मिल रहा है। आज हम देख रहे हैं फाइट से सीन चला, कौन फाइट मास्टर है, कैसा है? सर 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 मास्टर जी सर जी जी सर सर थोड़ा आ जाइए, थोड़ा दिखा दीजिए, आइए हम इधर। हाँ ये देखिए शूटिंग चल रहा है, अभी फाइट होने वाला है, देखिए बड़ा क्रेन हमारे ऊपर गिरने वाला था लेकिन हम बच गए। ये हमारे फाइट मास्टर हैं, देखिए मेकअप में ढके हुए हैं, और हमारे फिल्म के हीरो जो हैं, देखिए चश्मा लगा लिए हैं, इनसे कब से मैं चश्मा मांग रहा हूँ लेकिन चश्मा देने वाले नहीं है। प्यार आशीर्वाद और दुआ हमको चाहिए कि हम इस लाइन में पहला बार कदम रखे हैं। अच्छा आप लोगों ने सबको मंजिल तक चहुपाया, हमको भी चहुपाइए, हम गांव से आए हुए हैं। आप लोग तो फिल्म कब रिलीज हुई कोई बताइए, तब ना हमें देखा जाए, मैंने 2-3 महीने में फिल्म आ जाए। अच्छा हाँ 2-3 महीने में फिल्म आ जाए, सब कोई फिल्म देखी लोगों ने, दुआ अपना आशीर्वाद प्यार दी लोगों। तो फिल्म की हीरोनिया के साथ कोई टाका भिड़ल का नाम हो? सहयोगी दल है, प्रोडक्शन मैनेजर है, एक एक कदम पर हमारे साथ रह रहे हैं, मेरे भाई की तरह है, ऐसा नहीं लगता है भाई, लव यू लव यू, ऐसा नहीं लगता है कि मेरे प्रोडक्शन मैनेजर है, ऐसा लगता है मतलब पूरा झोलझाल हो रहा है, लेकिन क्या कीजिए, मिल बांट के खा रहे हैं भाई, लेकिन बड़ी परेशानी है। अच्छा हीरोइन तो भाव दे दी है लेकिन चाचा लगने नहीं दे रहे, बेटा बड़ी मारे बहुत लगा। आशीष कैसा लगा, कैसा लगा अशोक भाई के साथ काम करके? सीरियसली बहुत अच्छा, एक्चुअली पहली बार अगर कोई हीरो काम कर रहा है तो ये ऐसे एक्टर की सारे टेक्नीशियन से मिल के, कोई टेक्नीशियन कौन बड़ा है कौन छोटा, किसी से किसी प्रकार का इनका भेदभाव नहीं है, हमारे पास सबको अपने दोस्त जैसा, सब मतलब एक समान है, इनके निगाह में सारे लोग एक जैसे हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, भगवान से ये दुआ करूंगा कि आगे कंटिन्यू। अंजना जी के साथ फर्स्ट टाइम वर्क हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगा काम करके आपको? फर्स्ट टाइम वर्क हो रहा है और मेरी फर्स्ट फिल्म ही है, पहली फिल्म है, वो भी मुझे बहुत कोऑपरेट कर रही है, ऐसा अच्छा। बात नहीं है। साथ में आपकी बीवी भी साथ में है, तो कुछ लफड़ा नहीं चला ना? कहीं नहीं कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल हम लोग मजे में, मतलब रियल भी, रियल वाइफ भी है और गर्लफ्रेंड भी दोनों साथ में है। अरे दोनों है, एक घर वाली है, वो बाहर वाली, क्या बात है, लगे है। तो दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, बाहर वाले से क्या क्या दिक्कतें हो सकती है? ना ना दिक्कत तो कहीं नहीं है, लेकिन थोड़ा तो दिक्कत होके करेगा, ये भी जानते हैं घर वाली बाहर वाली से क्या होता है, प्यार के लिए तो बड़े बड़े जंग जीते जा सकते हैं, मैनेज करना पड़ता है, क्या कीजिएगा भाई, मर्द है तो मैनेज करके करेंगे, बिना मैनेज के कुछ होने वाला है ना? ना कुछ ना, ये कह रहा ये छोड़बे नहीं करेंगे, वो कह रहे अच्छा आओ हम बोल इसी में लगे। चलिए भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद, हम चलते हैं अपना, जरा पैदल बहुत दूर हमको जाना अभी। थैंक यू आप लोग नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और आज मैं लखनऊ में हूँ भोजपुरी फिल्म रब हमके मिला था हमारे जान से के शूटिंग पर, और इस फिल्म की शूटिंग इस वक्त देखिए आप चल रही, बहुत क्राउड है, और आपको मैं हीरोइन और हीरो से भी थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। पहले बता दूं कि इस फिल्म की जो हीरोइन है अंजना सिंह जी, हॉट के अंजना सिंह, और देखिए ये ऊपर मैं वीडियो कर रहा हूँ, धीरे धीरे वो नज़र आएंगे फाइट कर रही हैं, ये देखिए ये लुक कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और यहाँ देखिए काफ़ी दर्शक जो भोजपुरी जो दर्शक हैं लखनऊ के, यहाँ पर काफ़ी इकट्ठा हुए हैं और सिनेमा को शूटिंग जो हो रहा है उसे इंजॉय करते हुए देख रहे हैं। यहाँ देखिए फाइट का सीक्वेंस लगा हुआ, क्रेन भी लगा हुआ है, और क्रेन आप लोग को मालूम है कि बगैर क्रेन का फाइट सीक्वेंस नहीं होता है। तो जो लोग शूटिंग नहीं देखे हैं आप लोग शूटिंग देख लीजिए वीडियो के माध्यम से, कितना क्राउड है आप लड़कों का।
अंजना सिंह के जो फैंस हैं यहाँ पहुँच चुके हैं और पूरी इंजॉय के साथ इस चीज़ को देख रहे हैं। होटल देखिए, होटल का नाम मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये वो लोकेशन है जहाँ पर इस वक्त हमारी यूनिट रुकी हुई है लखनऊ में, और फिल्म के जो बाकी आर्टिस्ट हैं हमारे मनोज टाइगर जी, अयाज खान जी, श्रुटी सिंह जी, अंजना सिंह जी, ये सब इस फिल्म में नज़र आएंगे। फिल्म के जो कैमरामैन है हमारे प्रिंस जी, मैं उनको आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ। सॉरी, प्रिंस जी बोल रहे हैं, प्रमोद जी इस फिल्म के कैमरा डीओपी हैं। ये देखिए जो रेड टी शर्ट में है प्रमोद जी, press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.